अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। खैरियत अस्सलाम वालेकुम। हम पीछे जा रहे हैं रोल लेने, तो फिर चलते हैं वहाँ पे मिलकर। पूरी हमारी एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में, हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हमारे से ऐसा सीख रहे हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से वहाँ चल के। जी दोस्तों, तो हम आ गए हैं यहाँ पे बेकरी पे सामान लेने, और रोल गर्म है नहीं, तो मैंने उनको बोला है भाई रोल गर्म गर्म बना के दे, पहले भी छोड़ के चली गई थी रोल गर्म के चक्कर में। जी फ्रेंड्स, तो देखें ये हमारे रोल बन रहे हैं गरम गरम, मैंने बनवाए हैं, इन्होंने भाई ने हमें धोखा दे दिया, ठंडे रोल दे रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि गरम गरम बना के दें। अभी ये बना रहे हैं भाई, तो फिर हम घर चल के खाएंगे। क्या खा रही हो? हमने बचपन में इतने खाए और इसका चूरा भी बहुत आता था। अब वो हम तो अंकल होते थे ठेले पे ना, उनसे खड़ों के हम खुद बनवाते थे और फिर हम खाते थे। स्कूल में ही बहुत खाया है, और इसका जो चूरा देते हैं ना अंकल, उसमें चीनी चीनी टाइप की आ रही होती है, वो भी बहुत मज़े लगती है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप दुआओं से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और वानिया, सलाम दो तो मेरी हो गई थी, और हम रोल ले आए थे, मैं गर्म गर्म बनवा के लेके आई थी रोल, उन्होंने धोखा दिया मुझे, कह रहे 15-20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट बाद दोबारा गई, तो फिर वो कहने लगे अभी बने नहीं, फिर इसमें कौन आए। तो फिर मैं गर्म गर्म बनवा के वहाँ पे खड़े बनवा के लेके आई, और फिर हम लोगों ने रोल खाए, फिर चाय वाय भी पी ली हम लोगों ने। इसको पता था कि मैं अगर गर्म रोल नहीं लाऊंगी तो मुझे बातें नहीं, तो गर्म चीज़ गर्म ही लगती है, ऐसी चीज़ तो गर्म ही लगती है, दूसरी चीज़ें जो बाकी प्राइस वगैरह भी गर्म अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी लगती है। और हम लोग का ब्लॉग आज का कुछ खास नहीं होगा, बस ये है कि छोटा सा हमारा ब्लॉग है, तो क्या कहना है हमें ब्लॉग में? हमें ब्लॉग में यही कहना है कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो उसको प्लीज़ लाइक भी किया करें और कमेंट भी अच्छे अच्छे किया करें। आप लोग वीडियो को ना कमेंट करते हैं, ना आई थिंक फुल वॉच भी नहीं करते हैं आप लोग, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और कमेंट भी प्लीज़ करें, क्योंकि व्यूज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ना लाइक बहुत कम होते हैं। व्यूज़ भी हमारे दो तीन दिन बाद होते हैं अच्छे, उस वक्त तो खैर इतने नहीं होते, थोड़े दिन बाद जाके व्यूज़ हमारे बढ़ते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो देखा करें, तो उसको कमेंट भी किया करें उसमें, और लाइक भी प्लीज़ किया करें, और फुल वीडियो देखा करें, स्किप मत किया करें। कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा, तो ये है कि आप लोग, बस हमारा ब्लॉग आज का यही था, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह अच्छे खासे हो गए, 388 हो गए हैं, 388 सब्सक्राइबर हैं हमारे, बट हमारे उसके हिसाब से ना कमेंट होते हैं ना हमारे लाइक होते हैं उसके हिसाब से, तो प्लीज़ हमें कमेंट भी करें और लाइक भी करें, वीडियो फुल वॉच करें, कुछ नहीं कम से कम आधे लाइक तो होने चाहिए, आधे कमेंट्स होने चाहिए। लाइक भी हमारे इतने नहीं आ रहे हैं, और कुछ चेंजिंग लाएंगे करेंगे, कुछ चेंज भी बाहर भी निकलेंगे घर से, लेकिन बिला वजह तो घर से बाहर नहीं निकला जाता ना, अभी हालात नहीं निकलते हैं, तो इसलिए भी हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो और भी है जी, तो बस इस वजह से, और बहन के घर भी जाना होता है हमारा, बहुत कम ही होता है, तो बाहर हम लोग फालतू नहीं निकलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो हम ब्लॉग बनाएंगे या इधर बाहर वगैरह निकलेंगे, तो मैं तो बहुत ही कम बाहर निकलती हूँ, यही जाती है मेरे चक्कर तो बहुत लगते हैं बाहर के, स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लेना है, कुछ सौदा लाना है, या बच्ची बच्चों को खाना लाना है, कुछ भी है, मतलब हर चीज़ के लिए लगता है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें भी हम नहीं बना सकते ना वीडियो। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर निकलेंगे तो ही आप हमारी पूरी वीडियोस देखेंगे या लाइक करेंगे कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, तो अब हम घर में भी ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप हमें लाइक भी करें कमेंट भी करें, तो बस हमारा यही कहना है। हम लोगों को आपसे एक तरह शिकायत है, और ज़ाहिर है हम आपसे शिकायत कर सकते हैं क्योंकि आप भी हमारे अपने ही हैं, आप प्यार करते हैं हमसे, हम आपसे प्यार करते हैं, तो हम प्लीज़ ये शिकायत आपसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारी इस बात को माने आप लोग, और पहले सलाम, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों से कि इस वीडियो के बाद आप हमारी लाइक भी करेंगे। कुछ लोगों से तो उम्मीद नहीं है, तो मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, और उनके एक दो लाइक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे लग रहा है ये वीडियो के बाद वो हमें देखना भी छोड़ देंगे। कोई मसला नहीं है, क्योंकि किसी की एक दो लाइक से, एक दो कमेंट से, या एक दो सब्सक्राइबर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और आगे भी आएगा, हम लोगों को दिखाएंगे कि देखो खाली तुम्हारे एक दो लाइक से या एक दो कमेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम अपने अजीज़ों को, अपने प्यार करने वालों से और अपने रिश्तेदारों से ये बात बोल रहे हैं। तो बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और आगे बढ़ता हुआ तो लोग नहीं देख सकते किसी को, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बस बातें तो बहुत बन रही हैं घर बैठ के करने पे भी, बाहर तो घर निकलते ही नहीं, लेकिन घर बैठ के कर रहे हैं उसमें भी लोग बातें बना रहे हैं,
लोगों का काम बातें बनाना ही होता है। हाँ, अच्छे जो अपने होते हैं वो दुआएं देते हैं, क्योंकि जैसे फरीन बाजरी कमेंट भी करती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है, वो हमारी खुशी में खुश हैं। तो बहुत शुक्रिया फरीन बाजी आपका, और बहनें तो हमारी हमारे साथ होती हैं हमेशा, अल्लाह उनको सलामत रखे। और बस इतनी ही हमारा आपसे आज कहना था, हम लोगों को कोई ख़ास व्लॉग नहीं था। खाने में हमारे बन रहा है मटर पुलाव, तो वो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, तो हमने दिखाया नहीं। और शिफा को मैं लेके बैठी हूँ गोद में, शिफा की तबीयत तंग कर रही थी, उनके सर में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर कह जाएंगी ये भी फिर दोबारा से गुड़िया गई हैं पढ़ने के लिए, और मिन्हा कर रही हैं तंग, बहुत लगेगी पिटाई, बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा तंग करने लगी हैं। हमारी बातों से कोई हर्ट हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि हमने किसी का दिल दुखाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है, हमने सपोर्ट के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारे माँ बाप और हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है माफ़ करना और सब्र करना, इन्ना ला मा साबरीन पढ़ना सिखाया है, और हम वही पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो का बुरा कोई ना माने, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे आप लोग। शुक्रिया आपका बहुत सारा, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो फुल वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।